हम सभी की ज़िंदगी में स्वास्थ्य बहुत अहमियत रखता है, लेकिन खासकर महिलाओं के लिए। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, इसका कारण तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये बात आप सभी को पता होगी कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान रखने को कहा जाता है और ये बात हमेशा से कही जाती रही है, लेकिन खासकर आजकल, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन हमारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा खान पान बदल रहा है, हमारे तौर तरीके बदल रहे हैं, जिसके चलते कभी कभी हम अपने लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं या हमारा शरीर ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। और हम महिलाओं का जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो एकदम तंदुरुस्त रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा से, चाहे आप पुराने काल की बात करें चाहे आज के दौर की बात करें, हमेशा इसमें योगा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो आज मैं योगा की बात क्यों कर रही हूँ, आज मैं फिज़िकल हेल्थ की बात क्यों कर रही हूँ, आज हमारे प्रतिभा के सेगमेंट में हमारे जो गेस्ट हैं वो एक योगा ट्रेनर हैं। इतना ही नहीं, वो एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो वडोदरा में ज़्यादा से ज़्यादा फ्री योगा ट्रेनिंग चलाते हैं। आज प्रतिभा में हम आपको मिलाने जा रहे हैं मीनाक्षी परमार से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे प्रतिभा के सेगमेंट में। थैंक यू सो मच। मैंने आपका एक इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा दे दिया है कि आप एक योगा ट्रेनर हैं, लेकिन आप इससे कहीं ज़्यादा जो है उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। और जो मैंने मेंशन किया कि आप फ्री में योगा ट्रेनिंग देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल के दौर में जहां लोग फिज़िकल हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं तो वो उतने ज़्यादा पैसे भी दे रहे हैं, योगा क्लासेस में हो, जुम्बा क्लासेस में हो, जिमिंग में हो, हर जगह ज़्यादा पैसे देकर आपको फिजिकली फिट रहने के लिए कहा जाता है, वहीं आप फ्री में ये जो प्रैक्टिस है वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसका कारण तो हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि योगा ट्रेनिंग, योगा एक्सपर्ट जो आपने ये पद हासिल किया है, तो इसकी जर्नी क्या रही है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? जी, मैं भी एक आप लोग को जैसे ही थी, बस घर में एक काम करना, हाउसवाइफ, तो कहीं ना कहीं जब भी शरीर में दर्द होता था, कुछ प्रॉब्लम आ गए थे। और इस जर्नी में मेरी शुरुआत जो हुई है मेरे हस्बैंड जो है उनसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक इंजीनियर है, एक सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे, तो कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा उनके अंदर आ जाता, वो काम का एक जो प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव को चेंज कर देता है। तो ठीक, उनका गुस्सा बहुत था, फैमिली में भी सबको पता कि इसको नहीं मतलब पकड़ना चाहिए, गुस्से वाला है। तो थोड़ा बीपी का इश्यू आ गया, तो दिल्ली में रहते थे, यहाँ पे आए, मैंने कहा कुछ दिनों के लिए यहाँ रुको, और यहाँ योग निकेतन है अपनी संस्था योग की बड़ौदा की, तो वहाँ जाके योग करो जी। आप मानोगे नहीं, 2 महीने उन्होंने कंटिन्यू योग किया, उसमें ही मैंने उनके स्वभाव में इतने सारे चेंजेस देखे कि उनका गुस्सा डाउन हो गया, एकदम से बदलाव आ गया। उसी वक्त मुझे भी एक शारीरिक प्रॉब्लम हो गया था, मेरी जो वर्टिब्रा है नेक का, वो एनलार्ज हो रहा था, सभी का घिसता है, तो मेरा एनलार्ज हो रहा था। डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेट होगा और उनकी गारंटी हम नहीं दे सकते, शायद वो बेड में भी आ सकते हैं। तो एज भी कम थी, ये तो बहुत ही अभी लाइफ निकालनी है, ऑपरेशन कोई था नहीं, कराना नहीं है। तो जब मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि इतने सारे चेंजेस हैं, कहीं ना कहीं मुझे वो बिलीव आने लगा कि मे बी ये सारी दवाइयाँ वो सब छोड़ के अब ये रास्ता पकड़ो जी। तो मेरा 2005-06 में मैंने योग निकेतन जाना स्टार्ट किया, वहाँ पे विष्णु प्रसाद आचार्य गुरुजी थे जिनके अंदर में मैंने योग सीखा, और उसी योग के बाद मुझे मेरा वर्टिब्रा एनलार्ज हो रहा है, मेरे सारे प्रॉब्लम दूर हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे बॉडी में क्या है। तो योग निकेतन में फिर मैंने YCC YTTC वहीं से किया, और जैसे ही मेरा अभी तो बैच ख़त्म ही नहीं हुआ था, और उसी दूसरे ही दिन मुझे वो बैच दे दी गई, गुरुजी ने बोला कि नहीं तो तेरे में कुछ है, टीचिंग स्किल है, उसे डेवलप करो और ये क्लास आज से तेरा है, तू स्टार्ट कर। और योग निकेतन में एज ए टीचर स्टार्ट किया, वहाँ से हमारी जर्नी चालू हुई। फिर हमारा छोटा सा यहाँ पे इतना था नहीं, एक छोटा सा रूम में मैंने सोचा जो मैं ठीक हुई हूँ मुझे अब दूसरों को भी इससे ठीक करना है। तो एक आसन बिछा के बैठती थी कि जिसको आना है आए, योग सीखे मेरे से, जो मैं सीखी हूँ मेरे गुरु से मैं सबको दूँ। तो एक आता था, दो आता था, ऐसे 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 करके पूरी क्लासेस चलने लगी।
उसी में मैंने कितनी लेडीज़ों के जो थायराइड का है, पीसीओडी का है, डायबिटीज़ है, ये सारी प्रॉब्लम दूर होते गए। ये जो जर्नी है, जो योग है, वो हमें फ्री में सबको देना है। जो पैसा खर्च नहीं कर सकते उनके लिए क्या। फिर हमने बॉम्बे में गंभीका कुटीर करके संस्था है जी, वहाँ पे हमने संपर्क किया। बॉम्बे में बहुत अच्छे से उनकी संस्था चल रही थी। वहाँ हमने बोला कि गुरुजी हमें ये जो योग की सेवा है वो घर घर पहुँचाना है। उससे पहले मैंने जासपुर है, यहाँ पे उमेटा है, बहुत सारे गांव में जाके जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो कहीं गुटखा खा रही थी, कुछ तम्बाकू चबा रही थी, बहुत व्यसन में जी रही थी, उनको हमने ठीक किया कि हमने समझाया कि ये ठीक नहीं, आप योग का रास्ता पकड़ो। तो योग को समझाना बहुत डिफिकल्ट था, तो कैसे समझाए। फिर हमें वहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम ये आया कि आप किसके अंडर में काम करते हो। सरपंच हमें पूछते हो कि आपके पास कौन सा बैनर है, कोई गवर्नमेंट का है। फिर हमने थोड़ा, हमारे लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो गया, तो हमने ये जर्नी स्टॉप की और ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी संस्था हो जो फ्री में योग कराती हो, जो घर घर सबको स्वस्थ करे। तो अंबिका कुटीर का हमें नाम मिला, अंबिका निकेतन। तो वहाँ हमने संपर्क किया। हम संडे संडे चला ही रहे थे ये, तो उतने में न्यूज़पेपर में देखा कि गुजरात राज्य योग बोर्ड आया है जी। तो गुजरात राज्य योग बोर्ड, तो क्यों ना हम गुजरात से ही स्टार्ट करें, गुजरात राज्य के साथ ज्वाइन करें। उसका मैंने एडवर्टाइज देखा, हम फिर से उसमें जुड़े, मैं और मेरे हस्बैंड, और गुजरात राज्य योग बोर्ड में डॉक्टर नेहा दवे करके हैं, योग कोच थे, उनके अंदर में हमने फिर से ट्रेनिंग ली। हम फिर से टीचर बने और ट्रेनिंग के बाद इतना अच्छा क्लास देखते हुए मुझे योग कोच बनाया गया। कोच का कार्य अच्छा होने के बाद अभी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, सो बड़ौदा कोऑर्डिनेटर अभी वेस्ट जोन में हूँ। तो थैंक्स टू गुजरात राज्य योग बोर्ड जो हमारे जीवन में आया और ये सेवा करने का जो हमें मौका मिला। बड़ौदा में भी 500 क्लासेस गुजरात राज्य योग बोर्ड की ओर से फ्री चल रहे हैं, जिसमें सुबह और शाम साधक आके योग कर रहे हैं। जो गार्डन्स हैं, फ्लैट्स हैं, सभी जगह पे स्कूल हैं, उस सब में अभी हमारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। जितने भी आसपास के हमारे, जैसे अगर किसी अपार्टमेंट पे हैं तो वहाँ आसपास जहाँ कुछ गार्डन होंगे वहाँ हर जगह जा रहे हैं। यस, हर जगह जा रहे हैं। अच्छा। और हमारे जो कोच है बड़ौदा के, वो योग टीचर्स तैयार कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पे हमें कॉल आता है कि मैडम हम 20 पीपल हैं, 20 लेडी हैं, हमें कोच, हमें ट्रेनर चाहिए। तो हम वहाँ पे टीचर्स को भेजते हैं और उसी में से जो अच्छा 4-5-6 महीना जिसने ट्रेनिंग ली अच्छे से, उन्हीं में से हम योग टीचर बनाते हैं। और उसी योग टीचर को तैयार करते हैं 2 महीने में और उनके पास फिर योग क्लास चालू कराते हैं। तो जो लेडी दोपहर में सो जाती थी, अब लेडी महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि जो टिपिकल हाउसवाइफ है वो पूरे घर का काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटली थक जाती है। उनको कुछ चाहिए, बाहर कुछ अलग चाहिए, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए। तो जो दोपहर में सोते हैं हम उनको बोलते हैं कि आप जो दोपहर में सोते हैं तो 4 से 5 हमारे क्लास ज्वाइन करो, 5 से 6 हमारे क्लास ज्वाइन करो। तो ऐसे ऐसे लेडीज हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन किए, उनके बाद उनका जो सर का दर्द है, जो थायराइड है, जो मोटापा है, वो दूर हो गया और उन्हें खुद ये क्लासेस चालू किए हैं। ऐसे ही 90% अभी हमारे साथ लेडीज ही जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तो महिला बहुत अच्छे से अभी कार्य कर रही हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये जो इनकी टीम है वो अलग अलग जगह पर जाती हैं। इन्होंने जैसे शुरुआत करी कि जितनी भी गांव की लेडीज़ हैं उनको जाकर समझाया गया कि प्रेगनेंसी के दौरान वो कैसे ध्यान रख सकती हैं और योगा से अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती हैं। सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर भी योगा बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है आपकी। ये बात इन्होंने जा जाकर उन लेडीज़ को समझाई और काफ़ी लेडीज़ जो हैं इनकी टीम से जुड़ी हैं और उन्होंने इस प्रैक्टिस को शुरू किया है। अब क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि योगा कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर का ही एक हिस्सा है, लेकिन हम ही में से कई लोग हैं जिनको इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसकी अहमियत की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब भी लोगों को ये कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि आप अगर एक अच्छा और सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो योगा एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आपकी लाइफ में। तो कैसे आपने
इन लेडीज़ को समझाया, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं आपको मिली होंगी जिनकी शायद मैं ये कहूँ कि उतने स्टडी उनको नहीं मिलता है, पढ़े लिखे शायद नहीं होते हैं, तो उन्हें समझाना ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। तो वो कैसे आपने समझाया, कैसे ये पूरा प्रोसेस शुरू किया, उसके बारे में बताइए। जैसे गुजरात राज्य योग बोर्ड से मैं ट्रेनर बनी, उसके बाद जब कोच बनी, कोच में मेरा जो क्लास था टीचर्स बनाने का वो गोत्री गार्डन में था जी। तो वहाँ पे कोविड का टाइम था, कोविड के बाद हुआ, तो काफ़ी महिला ऐसी थी जिनके हस्बैंड कोविड में चले गए थे, जो खुद एक डिप्रेशन में से बाहर आई थी, तो कहीं ना कहीं वो क्लास मेरे चल रहे थे तो देखती थी जो मेरे योग क्या है। तो पतंजलि योग सूत्र में पढ़ाती थी वहाँ, तो उनका सूत्र जो मैं समझाती थी, तो जो हमारा जीवन है योग माने एक सही जीने की पद्धति हमें सिखाता है, वो जो सुन के, वो लेक्चर सुन के काफ़ी लेडी मेरे से जुड़ी कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। मैंने कहा श्योर आप बैठ सकते हो। और उनमें से ही काफ़ी लेडी ऐसी थी जो डिप्रेशन में थी हस्बैंड जाने के बाद, उनको ही मैंने टीचर बनाया कि डिप्रेशन अभी नहीं होगा, हमें उसे छोड़ना है, अभी हमें पुण्य का काम करना है, जो हमें जीवन अभी बाकी कोविड के बाद मिला है उनको हमें सबको योग सिखा के ये कार्य करना है। उसमें मुझे ये भी हुआ कि मैं सिर्फ 10 भरी हूँ, मैं 12th पढ़ी हूँ, मुझे योग का इतना नॉलेज नहीं, तो कोई बात नहीं, मैंने ज़ीरो से उनको पढ़ाना स्टार्ट किया गोत्री गार्डन में, थियरिकल और प्रैक्टिकल। उसमें एनाटॉमी भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ आपके कौन से मसल से, कौन से ऑर्गन से, वो उनको इतना पता नहीं था, तो ऐसे ड्राइंग करके हम बताते थे कि देखो ये हार्ट है जो यहाँ पे है। इस तरह से ज़ीरो से हमने ट्रेनिंग दी, और साथ ही साथ हमारा गुजरात राज्य योग बोर्ड का इतना अच्छा एक प्रोटोकॉल बुक्स बना है जिनमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें एनाटॉमी आ जाती है, उसमें पंच महाभूत आ जाते हैं, उसमें पांच प्राण आ जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और वही 2 महीने में मैंने उनको इतनी अच्छी तरह से तैयार किया, और वही लेडी जो डिप्रेशन में थी वो आज क्लास ले रही है, और सुबह शाम वो डिप्रेशन से बाहर आ गई है। ऐसी भी लेडी थी कि जिनकी घर में आवक नहीं थी, इनकम नहीं थी, मैंने उनको समझाया कि आप सुबह में बैठे रहते हो, शाम को बैठे रहते हो, आओ मेरे साथ जुड़ो, आप खुद भी ठीक हो जाओगे, साथ में ये क्लास जो आप ले रहे हो उसमें 3000 रुपीस आपको गवर्नमेंट देगी। तो बहुत खुश हुई, तो उन्होंने क्लास चालू कर दिया। तो एक क्लास सुबह में ली 3000 रुपीस, शाम को ली 3000 रुपीस, तो 6000 रुपीस बहुत मायने रखती है ऐसी लेडीज़ को। मैं जानती हूँ कि ये इंटरव्यू देखते वक्त आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि हम इनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में से कई लोगों की इच्छा पहले से भी होगी अगर योगा सीखने की, और अगर ये इंटरव्यू सुनते सुनते इच्छा हो गई है कि मुझे योगा सीखना है, मुझे भी अपना एक पार्टिसिपेशन देना है, एक योगदान देना है समाज की तरफ, तो हम इनसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो मेरा यही जानकारी हम दर्शकों को दे देते हैं कि अगर उन्हें आपसे जुड़ना है, आपसे ट्रेनिंग लेनी है, और साथ साथ अगर उन्हें टीचर भी बनना है, योगा टीचर, तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और क्या वो पूरा प्रोसेस रहेगा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। गुजरात राज्य योग बोर्ड का एक वेबसाइट भी है, उसमें जाके भी आप लॉगिन करके भी आप बता सकते हो कि कौन से एरिया में कहाँ कहाँ टीचर्स हैं। पूरे गुजरात में हर एक सिटी, हर गांव में टीचर्स हैं। बड़ौदा में है मैं डॉक्टर मीनाक्षी परमार, जो वेस्ट जोन की कोऑर्डिनेटर हूँ, ऐसे ही सुनील पटेल हैं जो ईस्ट जोन के कोऑर्डिनेटर हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंद्रजीत सिंह परमार हैं जो कोऑर्डिनेटर हैं। अब हमारा कांटेक्ट कैसे करें, हमारे हर एक वार्ड में एक कोच है, तो बड़ौदा के जितने भी वार्ड है उसमें कोच है जो ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारा कांटेक्ट आप गुजरात राज्य योग बोर्ड की वेबसाइट्स पे भी जाके कर सकते हो, या तो मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर है 8866155977। डॉक्टर मीनाक्षी परमार, मैं खुद नेचुरोपैथ हूँ और योग थेरापिस्ट भी हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो जो जानकारियाँ चाहिए थी वो सारी जानकारियाँ आपको मिल गई हैं, और ये भी उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी टीम के साथ शामिल होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। किस तरह से आपको कांटेक्ट करना है वो सारी डिटेल्स तो मैंने आपको दे दी हैं। अब मेरा आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि क्योंकि योगा हमारे लिए कितना ज़रूरी है हम ये बात जानते हैं, लेकिन अगर ट्रेनर से हम जान लें तो वो और भी ज़्यादा डिटेल में होगा, और बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में भी आएगा।
खासकर महिलाओं के लिए ये कहा जाता है कि योगा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इन जनरल योगा कितना ज़रूरी है और महिलाओं के लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्पेशली आज की जनरेशन में, ये आप हमें बता दीजिए। इन जनरल एक तो योग माने जुड़ना, योग की जो डेफिनेशन है कि आत्मा और परमात्मा से जुड़ना, मैं कहती हूँ शरीर और मन को एक करना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में योग माने रोग को मिटाना ही हो गया है। तो हमारे कहीं भी जो भी हमारे बुक्स हैं उसमें कहीं लिखा नहीं है कि योग से रोग दूर होगा, लेकिन यहाँ इसकी साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप योग करोगे तो 100% आप रोग से मुक्त हो जाओगे। आज देखो आप 6th स्टैंडर्ड में आ रही जो बेटी है वह कहीं ना कहीं मासिक धर्म से जुड़ जाती है। अगर वो टीनेजर्स में गई तो उनको PCOD हो रहा है। अगर महिला ने गर्भ धारण किया तो उनको बेड रेस्ट लेना पड़ रहा है। अगर महिला 40 में आई तो उनको यूट्रस रिमूव करना पड़ रहा है। क्यों? क्यों ना, क्योंकि ये जो हमारी लाइफस्टाइल है, वो जो प्रेशर है, वो ही हमारे हॉर्मोन्स को चेंज कर रहा है, बिगड़ रहा है। महिला भी अग्रेसिव हो रही है, गुस्से में आ रही है। अगर पढ़ी लिखी लेडीज़ है तो वह कहीं ना कहीं अपनी कैरियर में इतना बिजी हो गई है कि वही कैरियर का स्ट्रेस उसे लग रहा है। मैं तो हर एक लेडीज से यही कहना चाहती हूँ कि खुद के लिए अगर जियोगे तो सारे घर को जी पाओगे। एक घंटा अगर आपने सुबह में निकाल लिया तो पूरे दिन आप आलस नहीं होगा, आप सबके लिए भागोगे, सबकी सेवा करोगे, लेकिन खुद के लिए एक घंटा निकालो। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो बातचीत थी मीनाक्षी परमार के साथ में, ये बातचीत आपको पसंद आई हो। आज के प्रतिभा सेगमेंट में मीनाक्षी परमार जो कि एक योगा ट्रेनर हैं, इनको इस शो में गेस्ट के तौर पर बुलाने का ये खास मकसद हमारा यही था कि आजकल की जनरेशन, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि आजकल की जनरेशन खासकर जिनकी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ रही है और हर एज ग्रुप के लिए अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि मैम ने जो कुछ भी आपको समझाया, अब हम तो बोलते हैं तो शायद आपको लगे कि बस बोल रहे हैं, लेकिन एक ट्रेनर के थ्रू आपको ये मैसेज हमने पहुँचाया है कि आप सभी अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं योगा से जुड़ना, आप चाहते हैं एक नई शुरुआत करना अपनी ज़िंदगी में, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, इनकी टीम से जुड़ सकते हैं। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने दिया है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, वो पूरी डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप इजीली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकें और आप भी अपनी ये योगा जर्नी शुरू कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रतिभा का ये सेगमेंट आपको पसंद आया हो। फिर एक बार अगले सोमवार एक और प्रतिभा के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक देखते रहिए VNM TV।